हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका 105 जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, उसका टॉपिक है। अब देखिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा आपका पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो आप घर पे यूज़ करते हो, वो भी एक टाइप है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये आपका, इसमें क्या होता है कि एक यूज़र आपका एक टाइम पे ही सिस्टम को यूज़ कर सकता है। एक टाइम पे एक यूज़र ही सिस्टम को यूज़ कर सकता है। इसमें सिंगल मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं वो होंगे, आउटपुट डिवाइसेस हैं वो होंगे। तो इसको हम सिंगल यूज़र सिस्टम बोलते हैं। ये आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है या मोबाइल है, उनमें आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फर्स्ट टाइप है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक यूज़र को परफॉर्म किया जाता है, एक यूज़र को परमिट किया जाता है कि वो एक ही टास्क करे एक ही टाइम पे। ये जनरली आपका वायरलेस फ़ोन्स के लिए बनाया गया था, या फिर टू वे मैसेजिंग के लिए। तो इसमें जैसे कि एक टाइम पे आपका सिर्फ प्रिंट निकल सकता है, या उस टाइम पे आप कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हो या वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, तो केवल एक टाइम पे आपका एक ही टास्क हो सकता है। ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट आती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये केवल एक टास्क आपका एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है। एग्जांपल्स हैं इसके एमएस डॉस, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। अब इसी का जो सिंगल का ही आपका सेकेंड टाइप है, वो है आपका सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका एक ही यूज़र के लिए बनाया गया है, लेकिन ये जो है आपका, ये आपका मल्टीपल टास्क कर सकता है एक ही टाइम पे, या कह सकते हैं एक ही टाइम फ्रेम पे। जैसे कि सपोज़ करो आप वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, और उसी टाइम पे आप इमेजेस भी आपकी डाउनलोड हो सकती हैं, आपने डाउनलोडिंग में कुछ लगा रखा है, या आपने साथ में पीछे म्यूज़िक लगा रखा है। तो ये आपका हो गया सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। आजकल घर में अपन जनरली यही यूज़ करते हैं। एग्जांपल हैं इसके विंडोज़, लिनक्स। और इसका एडवांटेज है कि इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि पीछे भी आपका, बैकग्राउंड में भी आप साथ में आपके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चल सकते हैं, टास्क आपके परफॉर्म हो सकते हैं। फिर सेकंड टाइप है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर जो है बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स को, यानी एक से ज़्यादा यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो अलग अलग कंप्यूटर से एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकें, या सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो एक सिंगल कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज को एक साथ एक्सेस कर सकें, उनको यूज़ कर सकें। और जो यूज़र्स हैं वो आपके किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं किसी एक कंप्यूटर से। देखिए जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है या मेन कंप्यूटर है, और इससे ये यूज़र वन, यूज़र टू, ये सारे थ्री, सारे आपके इससे कनेक्टेड हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आपका यूनिक्स है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम है, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये आपका पहले चलता था। इसमें क्या होता था कि कोई डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं होता था यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। यूज़र जो है वो अपना प्रोग्राम नहीं उसके ऊपर चलाता था कंप्यूटर के, उसमें क्या होता था कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता था। तो आपके पंच कार्ड होते थे, तो उसके ऊपर यूज़र जो भी आपका प्रोग्राम बनाते थे वो पंच कार्ड के ऊपर डाल देते थे, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर को देते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर उनका कार्ड्स का एक बंच या बैच बना लेता था, काफ़ी सारे कार्ड्स का, जिनका सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स होते थे, सिमिलर टाइप ऑफ जो जिनके प्रोग्राम्स होते थे या जॉब्स होते थे उनका एक बैच बना लेता था, और फिर उनको कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता था। तो ये आपका पहले चलता था। फिर आया आपका, अभी है आपका नेक्स्ट आपका टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एक टेक्निक है जो एक साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है एक ही सिंगल प्रोसेसर को यूज़ करके। प्रोसेसर जैसे सीपीयू एक ही है इसमें, लेकिन एक साथ आपके ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। मेन मेमोरी में आपके एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रह सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका किसी एक प्रोग्राम को मेन मेमोरी से लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, कभी उसको हाफ़ एग्जीक्यूट करता है, या फिर कई बार उसको फुल्ली एग्जीक्यूट करता है,
कई बार हाफ एग्जीक्यूट करने के बाद में दूसरे जॉब पे स्विच हो जाता है। टाइम शेयरिंग जो भी आगे आएगा वो भी आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या, सीपीयू आपका स्विच करता रहता है एक जॉब से दूसरे जॉब पे, तो इसमें आपका जो सीपीयू है कभी आपका खाली नहीं होता और हमेशा आपकी प्रोसेसिंग करता रहता है। अगर एक टाइम पे आपके बहुत सारे जॉब्स हैं करने के लिए, तो सिस्टम चूज़ करता है कि किसको कब रन करना है, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। ये है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, जितने भी आपके जॉब्स हैं तो सीपीयू हर जॉब को आपका, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये देखिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये हर एक जॉब को आपका टाइम अलॉट कर देगा। जैसे तीन जॉब्स हैं, इन तीनों को अभी प्रोसेसिंग करवानी है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो सीपीयू क्या करेगा, उनको सबको कुछ एक टाइम दे देगा। जैसे सबको कुछ कुछ मिली सेकेंड, सबको 5 मिली सेकेंड दे दिया, तो 5 मिली सेकेंड के लिए पहले फर्स्ट आपका जो जॉब है सपोज़ करो 5 मिली सेकेंड के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर जितना भी एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद में सेकेंड पे स्विच हो गया, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि फिर पहले वाला नहीं हुआ था तो इसके बाद में फिर पहले को एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। तो जितने भी आपके जॉब्स होते हैं या टास्क होते हैं उनके बीच में टाइम को शेयर कर दिया जाता है, जितना टाइम होता है टाइम को डिवाइड करके और उनके बीच में उन जॉब्स को दिया जाता है, ताकि सबको सारे टास्क को इक्वल आपकी अपॉर्चुनिटी मिल सके। फिर है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है, और जो आपकी शेयर करते हैं कॉमन मेमोरी को। ये आपकी, इनसे क्या होता है कि आपकी कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके प्रोसेसर ज़्यादा हो गए, तो जो सारे प्रोसेसर हैं वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आपके काम करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसर हैं तो वो आपके परफॉर्मेंस जो भी है ओवरऑल वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है, और सारे आपके प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं तो सिस्टम का जो आउटपुट है, जो स्पीड है, या किसी सिंगल टास्क के भी एग्जीक्यूट होने की स्पीड है, वो आपकी बढ़ जाती है। अगर पॉसिबल होता है तो कई बार सिंगल टास्क को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं काफ़ी सारे टास्क में, और अलग अलग प्रोसेसर्स को उनको अलॉट कर देते हैं, फिर वो प्रोसेसर्स उन टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी स्पीड बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस ओवरऑल सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।